हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ब्यूटी विद वैष्णवी में आप सबका स्वागत है विंटर्स आ गए हैं और सबसे ज्यादा आजकल का मेन प्रॉब्लम है कि अपने स्किन को हम कैसे नरिश और मॉइस्चराइज रखें ताकि हमारे स्किन पे क्रैक्स या ड्राइनेस ना हो Uh, तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं आपको बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च करके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे लगता है कि घर की कुछ चीजों से ही घर में जो आपके नेचुरली अवेलेबल है आप उन चीजों से ही अपने स्किन को प्रेप मॉइस्चराइज रख सकते हैं और उसको क्रैक्स होने से या कोई भी यू नो डैमेज होने से बचा सकते हैं सो so, ये वीडियो मैं इस चीज के लिए बना रही हूं एंड शेयरिंग विद यू सम ऑफ द हैक्स जो इजीली आपको घर में uh, अवेलेबिलिटी आपको उन सब चीजों की मिल जाएगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले जो कच्चा दूध होता है जैसे हम मिल्क पैकेट्स लेते हैं या बहुत सारे लोगों के घर में दूध आता है कैंड मिल्क आता है सो so, बॉईल करने से पहले आप तीन चार चम्मच उसको पहले कटोरी में ले लें और चुटकी भर उसमें हल्दी मिक्स कर लें और ये जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम अपने फेस पे अप्लाई करके एटलीस्ट फाइव टेन मिनट्स तक रख रखेंगे और जब हम उसको क्लीन करेंगे तब या तो विद हेल्प ऑफ फेशियल स्पॉन्ज या आप अपने हाथों से जस्ट जेंटली मसाज करके जस्ट ऐसे मसाज करके आप क्लीन करके आप धो के और अपने फेस को रब नहीं करेंगे एक गीले तौलिए से या एक हॉट नॉर्मल हीटेड स्टीम्ड तौलिए से अपने फेस को जस्ट वाइप ऑफ करेंगे और जब आप एक्सेस वाटर निकाल लेंगे अपने फेस से तो यू शुड अप्लाई एनी काइंड ऑफ फेशियल ऑयल या कोई मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर सकते हैं या तो जो फे वमिन सी के ऑयल्स uh, आते हैं जो गुड वाइब्स के आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं या तो आप एनी काइंड ऑफ कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन प्रेप हो जाएगी और जैसे जो मार्क्स आते हैं फेस पे या जो क्रैक्स आ जाते हैं विंटर के टाइम पे वो डेफिनेटली अवॉइड हो जाएगा सेम प्रोसीजर आप हैंड्स या लेग्स में भी ट्राई कर सकते हो अपने पूरे बॉडी uh, पे भी ट्राई कर सकते हो इट्स वेरी गुड इट्स अ घरेलू नुस्खा जिसको हम बोल सकते हैं और uh, बहुत अच्छा नुस्खा है आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई एट वंस नेक्स्ट इज दैट आप uh, दो चम्मच दही के साथ आधा चम्मच शहद को मिला के अपने फेस पे थोड़ा सा जेंटली मसाज करते हुए एक फेस पैक की तरह फॉर्म कर ले और पाँच दस मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर ले विद नॉर्मल वाटर बहुत ज्यादा कूल नहीं नॉर्मल वाटर आफ्टर uh, दैट आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके फेस में एक ग्लोस आ गया है एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस जो भी आपके स्किन के क्रैक्स हैं या जो ड्राइनेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और ये डेफिनेटली वर्क करेगा और आई एक्सपेक्ट कि यू गाइट्स शुड ट्राई दिस हैक नेक्स्ट इज दैट जब भी हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आप कोई मॉइस्चराइजर या वाइटमिन सी का ऑयल यूज कर लें और प्राइमर को आप अवॉइड कर सकते हैं और प्राइमर यूज भी कर सकते हैं बट क्या है कि विंटर्स uh, है सो so स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है स्किन पे और बहुत हार्ड हो जाता है सो so, उसके साथ आप कोई वाइटामिन सी का ऑयल या जो फेशियल ऑयल्स होते हैं गुड वाइब्स के ऑयल uh, भी आते हैं रोज ग्लो का ऑयल भी आता है सो so, वो ऑयल यूज़ करके uh, या कोई मॉइस्चराइज़र पॉइंट्स के मॉइस्चराइजर आते हैं उसको थोड़ा सा यूज करके उसके साथ मिक्स करके उसके बाद आप फाउंडेशन लगाएंगे सो so, आपके स्किन पे जो क्रैक्स हैं वो नहीं पड़ेंगे और फाउंडेशन भी अच्छे से अब्जॉर्ब होगा एंड इट विल स्टे लॉन्ग और आपके स्किन पे कोई भी ड्राइनेस के फॉर्म में कोई भी लाइन्स नहीं आएंगी फाउंडेशन ब्लैक नहीं होगा और डेफिनेटली इट विल स्टे एंड मेंटेन योर स्किन और uh, कोई भी एलर्जी फॉर्म में नहीं आएगा आप चाहें तो वेजिलीन भी यूज कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर विद अ फाउंडेशन सो दैट सोल्व फॉर गईस आई होप ये जो भी हैक्स हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे और आप जरूर इनको यूज करेंगे एज अ स्किन केयर रजीम जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर लें और बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि जो और वीडियोज मैं डालू आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेट यून फॉर द अदर वीडियोज बाय